फ्रेंड्स, आई एम मनोहर एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पैसे और प्यार के बीच चुनाव नहीं कर पाते, वे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके कंफ्यूजन का मेन रीजन दरअसल वे खुद ही होते हैं। उनके भीतर का लालच व प्यार कर पाने की असक्षमता ही उन्हें सही चुनाव करने से रोकती है। नो डाउट कि पैसा जीवन जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर प्यार के प्यार ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यदि माँ अपने बच्चे से प्यार न करे तो क्या वो जी पाएगा? यदि इंसान इंसान से प्यार न करे तो क्या वो जी पाएगा? यहाँ तक कि मनुष्य यदि अपने आप से भी प्यार न करे तब पे भी वो नहीं जी सकता। उदाहरण के लिए, एक सुंदर स्त्री का पति बूढ़ा है और उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। हाँ, वो उसे कुछ पैसे दे देता है, तब क्या वो स्त्री खुश रह पाएगी? पैसा तो तभी मिलता है जब उसे पाने के लिए कुछ खोया हो, उसे पाने के लिए कुछ मेहनत की हो। इसके विपरीत प्यार तो बिना मांगे ही मिल जाता है। प्यार का कोई मोल नहीं होता। मनुष्य को यदि बिना कुछ मांगे ही कोई चीज मिल जाए तो वह उसकी कीमत नहीं करता, चाहे वह उसकी सांसें हो, या चाहे वह भोजन हो, या चाहे वह पानी ही क्यों ना हो। एक बार की बात है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट बोला, सर आप इतने सिंपल क्यों हैं? इससे आपकी पर्सनैलिटी का कुछ अंदाजा ही नहीं हो पाता। इस पर उसके टीचर ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे दे दी और उससे बोले कि इसे जाकर बाजार में बेचाओ, याद रहे इसे बेचकर एक गोल्ड रिंग जरूर लाना। ऐसा सुनकर वह स्टूडेंट उनकी अंगूठी को बाजार में बेचने निकल पड़ा। सब दुकानदारों ने उस अंगूठी को खरीदने से इनकार कर दिया। उसने लौटकर सारी बात अपने टीचर को बताई। टीचर ने कहा, कोई बात नहीं, इसे कल किसी जौहरी को बेचकर आना। वह लड़का अगले दिन उसे एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी बोला, ये रिंग तो अनमोल है, मैं क्या सारे शहर में इस रिंग की कोई सही कीमत आपको नहीं दे सकता। इस कहानी से ये पता चलता है कि किसी की पर्सनैलिटी का अंदाजा उसके कपड़ों से नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह प्यार भी अनमोल है, उसकी कीमत पैसे से नहीं आकी जा सकती। हर चीज में प्यार खुला हुआ है। यदि हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि इंसान पैसे से प्यार करता है जो उसे इतना कीमती बना देता है। आश्चर्य है, भगवान ने खुद प्रेम के मोल को समझाया है, किंतु इंसान फिर भी प्रेम को छोड़ पैसे के पीछे भागता है। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार तीन संत एक घर के बाहर पहुंचे। उस घर की मालकिन ने उन तीनों संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर संत बोले कि क्या आपके पति घर पर हैं? हम आपके घर तभी आएंगे जब वे घर पर हों। शाम को जब उसके पति लौटे, उस महिला ने सारी बात उन्हें बताई। यह सुनकर उसके पति बोले कि जाओ उन साधुओं को आदर सहित घर पर ले आओ। उस महिला ने वैसा ही किया। उसने संतों के पास जाकर कहा, अब मेरे पति घर पर हैं, अब आप घर पर आ जाइए। संत बोले, हम तीनों किसी के भी घर एक साथ नहीं जाते। महिला ने पूछा, लेकिन क्यों? संत बोले कि मेरा नाम धन है और इन दोनों का नाम प्रेम और सफलता है। आप अपने घर पर जाकर अच्छे से विचार विमर्श कर यह तय कर लीजिए कि किसे घर पर बुलाना है। घर लौटकर उसने सारी बात अपने पति को बतलाई। पति प्रसन्न होकर बोला कि हम घर पर धन को बुलाएंगे, इससे सारा घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है सफलता को घर बुलाना चाहिए, इससे हमारे सभी काम बनने लगेंगे। उनके पास ही उनकी बच्ची खेल रही थी। उसने पास आकर कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। पति पत्नी बोले कि शायद तुम ठीक कहती हो, हमें प्रेम को ही घर बुलाना चाहिए। सब सोच समझकर वह महिला उन साधुओं के पास गई और बोली, आप सब में से जिनका नाम प्रेम है, कृपा करके वह मेरे साथ आए। यह सुनकर प्रेम नाम के जो साधु थे वह उस महिला के पास आए और साथ चल पड़े। पीछे पीछे धन और सफलता भी चल पड़े। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्यवश उन संतों से पूछा कि मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था, आप दोनों साथ क्यों आ रहे हैं? इस पर वे संत बोले कि यदि तुम धन या सफलता में से किसी को आमंत्रित करती तो कोई एक ही आता, किंतु तुमने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम जहाँ जाता है वहाँ धन और सफलता भी जाते हैं। यह है प्रेम की महिमा।
दोस्तों, यदि कभी प्रेम या पैसे में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा प्रेम को ही चुनें, क्योंकि हम यदि हम प्रेम को चुनेंगे तो धन और सफलता साथ में आ जाएंगे। किंतु यदि हम धन या सफलता में से किसी एक को चुनेंगे तो साथ में लालच आएगा, जिससे हमारे जीवन से प्रेम, धन और सफलता ये तीनों ही चले जाएंगे। आशा है अब आपको चुनाव करने में आसानी होगी और आप प्रेम के महत्व को समझेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ न भूलें। थैंक यू।